हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत ही आसान तरीके से ऑनलाइन में ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउज़र से गूगल पे जाना पड़ेगा। तो हम गूगल पे चला जाएंगे। गूगल पे चला जाएंगे तो नीचे हमको सर्च बार दिखेगा। वही सर्च बार में जाना पड़ेगा। सर्च बार में जाके हमको लिखना पड़ेगा परिवहन सेवा। परिवहन सेवा लिख के एंटर करने से परिवहन सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इधर आ जाएगा। तो देखिए, इधर पहला वाला जो लिंक हमको दिख रहा है परिवहन.gov.in, वही लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। वही लिंक पर क्लिक कर देंगे तो परिवहन सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला जो लिंक दिख रहा है वही लिंक पर क्लिक कर देंगे। वही लिंक पर क्लिक कर देंगे तो परिवहन सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो देखिए, इधर परिवहन सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है। इधर नीचे हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज। वही इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज के अंदर पहला वाला जो ऑप्शन हमको दिख रहा है नो योर लाइसेंस डिटेल्स, वही नो योर लाइसेंस डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज के अंदर पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है नो योर लाइसेंस डिटेल्स, वही नो योर लाइसेंस डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो एक नया पेज इधर ओपन हो जाएगा। तो देखिए, इधर मेरे को दिख रहा है नो योर DL स्टेटस, यानी ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस हम इधर से देख सकते। तो इधर सबसे पहले हमको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना पड़ेगा, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, उसके नीचे एंटर वेरिफिकेशन कोड यानी कैप्चा डालना पड़ेगा। ये तीनों हमको इधर डालना पड़ेगा। डालने के बाद चेक स्टेटस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर पूरा फिलअप कर देंगे। पूरा फिलअप करने के बाद चेक स्टेटस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस हमको दिखेगा। तो देखिए, इधर हम पूरा फिलअप कर दिया। पूरा फिलअप करने के बाद नीचे जो चेक स्टेटस ऑप्शन दिख रहा है वही चेक स्टेटस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इधर क्लिक कर देंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स हमको दिखेगा। तो देखिए, इधर मेरे को दिख रहा है डिटेल्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दिख रहा है और नीचे मेरे को करंट स्टेटस एक्टिव दिख रहा है। उसके नीचे होल्डर का नाम दिखेगा, उसके नीचे ओल्ड न्यू ड्राइविंग लाइसेंस नंबर रहेगा तो दिखेगा, उसके नीचे सोर्स ऑफ डाटा दिखेगा, उसके नीचे हमको ड्राइविंग लाइसेंस इनिशियल डिटेल्स दिख रहा है। तो देखिए, इधर इनिशियल इशू डेट कब इशू हुआ है दिख रहा है, उसके नीचे इनिशियल इशूइंग ऑफिस कौन सा ऑफिस से इशू हुआ है वो भी हमको दिख रहा है। तो ये सब देखने के बाद नीचे हमको ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी डिटेल्स दिख रहा है। तो देखिए, इधर सबसे पहले हमको दिख रहा है नॉन ट्रांसपोर्ट कब से कब तक वैलिडिटी है वो भी हमको दिख रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट रहेगा तो वो भी हमको कब से कब तक वैलिडिटी है हमको दिखेगा। उसके नीचे क्लास ऑफ व्हीकल्स दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहले COV कैटेगरी दिख रहा है, उसके राइट साइड में क्लास ऑफ व्हीकल्स दिख रहा है, उसके राइट साइड में COV इशू डेट दिख रहा है। तो ये सब हम इधर से देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत ही आसान तरीके से ऑनलाइन में अपना ड्राइविंग लाइसेंस के पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और बहुत सारे शेयर करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ। जय हिंद।